अभी उतरा नहीं बुखार? गाइस ये अभी फिर गई थी बाथरूम में, फिर वहाँ उल्टी करके आई। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मिस्टर टिशू व्लॉग्स। एंड अभी तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ एंड बैठ चुकी हूँ हीटर के सामने, क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी है गाइस, ठंड बहुत हो रही है, इसलिए अपने अपने कम्बल निकाल लो, अगर अभी तक नहीं निकाले तो सॉक्स भी निकाल लो, हीटर भी निकाल लो, है ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और अभी मैं आ गया हूँ बालकनी में, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह अपना हो चुका है। निष्ठा कर रही है ड्राइंग, अपना कुछ काम कर रही है, और निष्ठा की मम की तो हालत ख़राब है, अभी बुखार है उसको। रात से ही, रात को बुखार आ गया था, उसके बाद फिर अभी भी बुखार ही है। दवाई वगैरह उसने अपनी जो डेली की दवाई है वो ले ली है, और नाश्ता कर लिया है, लेकिन अभी भी बुखार है, तो लेटी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बाकी आज मेरे को जाना भी था कहीं पे, छुट्टी है आज भी, लेकिन अब चलो आज नहीं जाता, निष्ठा की मम के साथ ही रहता हूँ, क्योंकि फीवर भी हो रहा है उसको। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर रही हूँ। क्या हुआ, अभी उतरा नहीं बुखार? दिखाना, बुखार हो रहा है, ध्यान नहीं रखते हो ना, इसे ओढ़ के रखो। ठंड हो रही है तो अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप? ध्यान क्यों नहीं रखते हो टीचर आप मम्मा का? बुखार हो रखा है ना? बुखार तो अभी हुआ है। अभी नहीं हुआ है, रात से हो रहा है, तो आपको क्या पता? तब सो रहे जब से मुझे कहते हैं। रात से, कल रात से। तब सो रहे जब से हम रात को भी जगे थे। अपनी दवाई ले ली आपने जो डॉक्टर ने बोली हुई है, वो दवाई ले ली आफ्टर ब्रेकफास्ट वाली? लो ना फिर, कब लोगे? पानी पियो, कम से कम 10 गिलास पानी पीना होता है, तुम पीते हो 2 गिलास बस पूरे दिन में। पीते भी नहीं है घर में तो मम्मा। हाँ, एक बार भी नहीं, एक बूंद भी नहीं पी, पीती मम्मा घर में, झाड़ पोछे में इतना मन लग चुका होता है मम्मा का। पानी पिलाऊं? कर लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा मूड फ्रेश कर लो अपना, ठीक है? फ्रूट्स खा लो उसके बाद। हाँ, उसके बाद फ्रूट्स खाओ। आ रहा हूँ मैं अभी, बालकनी में हूँ। गाइस धूप बड़ी अच्छी हो रखी है बालकनी में, तो वही मैं सेक रहा हूँ बहुत देर से, अभी यहीं बैठे हैं, क्या करें। आज एक जगह जाना था, लेकिन निष्ठा की मम की तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए फिर मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान, नहीं जा रहा। अब देखो नेक्स्ट छुट्टी में करूँगा उस काम को। बाकी अभी निष्ठा की नानी और मौसी गए हैं बाहर, अभी हम लोग ही हैं यहाँ पे, निष्ठा है अंदर, निष्ठा की मम है, लड्डू है। मैं थोड़ा बालकनी में आ गया था, धूप सेक रहा हूँ। निष्ठा की मम भी वैसे कल हमने भी सेकी थी धूप, अभी आज भी वो जाती, लेकिन अभी उसकी तबीयत ख़राब है, बुखार है, तो इसलिए अभी वो लेटी हुई है। फिलहाल मैं यही छत में, क्या जाना, मैं यही बालकनी में बैठा हूँ, तो सेक रहा हूँ। लड्डू पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है? लड्डू क्या कर रहा है, चलो देख के आते हैं। गाइस अभी गए भी है निष्ठा की नानी मौसी बाहर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और लड्डू उस रूम में पढ़ाई कर रहा है, वो नहीं गया बाहर पढ़ने के लिए, देखते हैं क्या पढ़ने कर रहा के लिए। पढ़ने की वजह से सही चल रही है पढ़ाई? कब है पेपर? कल ही है। अच्छा कल ही है पेपर, इसीलिए मैं क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि लड्डू को मारने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा। पढ़ाई करने तो लड्डू को चुपचाप। मैं आप कर रही हूँ, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि यार उनका कोई भरोसा नहीं है आने में, आज मैंने रात भी लगा देता है, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। रात भी आएंगे वो। कल किस चीज का है? साइंस का पेपर है, तैयारी हो गई? थोड़ी सी रह गई, असाइनमेंट कर रहा हूँ जो थी। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 14। हाँ 14। अब फाइनल एग्जाम है क्या कल? प्री बोर्ड। अच्छा प्री बोर्ड है, 14 चैप्टर आ रहे हैं। हाँ प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं जुड़ते ना, इतने जुड़ते हैं नहीं जुड़ते ना?
लेकिन प्री बोर्ड में पास हो गए तभी तो बोर्ड में पास हो पाओगे ना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल सेम होता है एग्ज़ाम का पेपर का, तो इसलिए पास तो होना ही पड़ेगा। कितने हो गए 14 में से चैप्टर? अंडरस्टैंडिंग के बेस में सारे हो गए, याद हो गए सारे आंसर? अब वही तो कर रहा हूँ, इधर असाइनमेंट तो उनको मैं कर रहा हूँ खाली, ये रहे ना। ये क्या असाइनमेंट है? हाँ, रिवीजन असाइनमेंट भेजी थी मैंने, बोली थी ये कर लेना, ये कर रहा हूँ। तो ये हो गए याद? हाँ, दो रह गए। अच्छा, सही है, पढ़ लो, अगर कुछ पूछना हो तो मेरे को बता देना। कुछ समझ नहीं आएगा या कोई आंसर याद नहीं होगा या कोई चैप्टर पढ़ना होगा तो, क्योंकि साइंस मैथ्स होता तो मैं सारा बताया था, लेकिन साइंस में तो एक याद तो खुद ही करना है ना, साइंस में तो एक एक चीज याद करनी पड़ेगी आपको। वैसे एक बात बताओ, लड्डू है ना, वो पता है सोते टाइम अपनी बुक्स कहाँ रखता है? ये वाले बेड पे। मैथ्स का कब है? मैथ्स का पता नहीं, कोई नहीं, चलो एसएसटी का पता है, उस मंडे को एसएसटी का। अच्छा, अगले मंडे को। कोई नहीं, पहले इसकी तैयारी करो, ठीक है? कुछ नहीं आएगा समझ में तो आ जाना, मेरे को बता देना, ठीक है? लड्डू को पढ़ने दो, टीचर आ जाओ, चलो। हाँ, कंटिन्यू लड्डू, कंटिन्यू कंटिन्यू, चलो पढ़ने दो उसको। हो गई पढ़ाई? रह गया थोड़ी सी। हाँ, बाकी ऑलमोस्ट हो गई। अब वो जो लास्ट पेपर था ना, क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर सेंड करा था, वो सॉल्व करूंगा, वो रह गया बस, बाकी सब याद हो गया है। हाँ, बाकी सब ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, बाकी चिटिंग विटिंग का सामान बना लिया सारा? चिटिंग नहीं हुआ भाई, भाई प्री बोर्ड है। तो कैसे करूं, आगे वो बैठता है, इसको कुछ आता नहीं है, पीछे वाले दिखाता नहीं है। पीछे वाले को आता है? हाँ, वो दिखाता नहीं है। देखूंगा तो कैसे देखूंगा मैम, सेकंड डेस्क लगती है मेरी। अच्छा, यहाँ पे होती है। और वैसे भी पीछे वाले से देखना मुश्किल है, आगे वाले से आसान है। अगर से क्या देखो, वो बैठे रहता है, कुछ आते नहीं, ब्लैंक पेपर देता है। अच्छा, आपको क्या हो रहा है, उल्टी आन क्यों नहीं रुक रही आपकी? गाइस, ये अभी फिर गई थी बाथरूम में, फिर वहां उल्टी करके आई है, फिर मम्मा उल्टी करके आई है। टीशा, कुछ भी खा रहे हो तो निकाल दे रहे हो आप। हम तो रजाई में ही बैठे हैं तब से, सुबह से आज छुट्टी का मजा ले रहे हैं हम रजाई में बैठ के। यहीं पे खाने का आ रहा है, यहीं पे पीने का आ रहा है, बस रजाई हम छोड़ नहीं रहे, रजाई के अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि ठंडी इतनी है, क्या करें यार। तो इसलिए मैं तो यहीं पे बैठा हूँ, निष्ठा की माम भी रजाई में बैठी है, लेटी है येरी, बस थोड़ा सा उठ रही है, उल्टी करने जा रही है, फिर लेट रही है, फिर आ रही है, उल्टी करने जा रही है, फिर लेट रही है, यही हो रहा है माम का। तो गाइस, अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है निष्ठा की माम के लिए चिकन, और अपने लिए बर्गर, वेज बर्गर, क्योंकि हम तो चिकन खाते हैं नहीं, चिकन टंगड़ी। इन लोगों के लिए चिकन टंगड़ी वंगड़ी, चिकन खाने का मन कर रहा था निष्ठा की माम का, तो वो मैंने कर दिया। अभी निष्ठा की माम लेटी है, अभी फिलहाल बुखार उखार अभी उतना नहीं है, ठीक है अभी बुखार, और वॉमिट भी अभी फिलहाल के लिए नहीं आ रही है। बाकी चलो पूछते हैं निष्ठा की माम से। अब तो नहीं आ रही वॉमिट, कर दिया मैंने चिकन, ठीक है। कल कितने बजे सोई थी? 10 बजे ये सो गई थी, 10 बजे से पहले ही। हाँ हाँ, मैं बताऊँ कैसे तुमने, आपने बोला था कि ये लाइट जल रही थी ये वाली, कि मैंने बोला इस, मैंने इससे बोला कि लाइट बंद कर दो, आपने कराया वो बंद, मैंने इससे बोला लाइट बंद कर दो, वो लड्डू आएगा भी वो कर देगा, मैंने बोला ठीक है, नहीं आया। फिर मुझे नींद आ गई, फिर मेरी एकदम से नींद खुली लाइट की वजह से, फिर मैंने इसकी तरफ देखा सोई पड़ी है, टीसा की तरफ देखा सोई पड़ी है, ये भी सोई पड़ी है। उसके बाद फिर मैंने लाइट बंद करी, पूरी रात तो मैं आया था 11 बजे का आया था, चार्जर देने, बंद थी लाइट ना। हाँ, फिर वापस चला गया, मैं यहाँ से घूम गया, मेरा कोई जगह नहीं ना, क्या 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 चार्जिंग में लगाई है फोन। सो गए थे जल्दी, कल नींद आ रही थी बहुत यार, थकान हो गई थी ना। अच्छा, तभी चार्जर चेयर पे पड़ा हुआ था। हाँ, फिर मैं सो के रख के चला। तो फ्रेंड्स, अपना आ चुका है जो मैंने मंगाया था, ये रहे अपने बर्गर, और ये रहा निष्ठा की माम के लिए, इसमें क्या है, टिश्यू पेपर,
टिश्यू पेपर और वो होगा इसमें, लेके पहले अपना भी निकाल लो ठीक है, उसके बाद आना अंदर ये वाला भी लेके, फिर खाते हैं ठीक है। हम भी खा रहे हैं लड्डू, लोग आ जाओ खा लो, मौज है। तो खा सकते हैं, अंडा नहीं दे रही थी बस मुझे, दे रही थी ना निन्नी, अंडा दे रही थी वो, सो के भी नहीं उठाता मैं। यू दीदी अंडा खाएगा, फोन क्यों नहीं उठा रहे, कहाँ पहुंच गए, हड्डी भी चबा रहा है वो, दे दो हड्डी भी खा रहा है वो, पार्किंग में लड़ाई हो गई। किस बात में पार्किंग में, यहाँ से नहीं दिखी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आपस में, लड़ाई हो गई किस बात पे पता नहीं। अच्छा कोई घुस आया है पार्किंग में, कोई पार्किंग में घुस आया है, कोई बच्चे घुस आए हैं पार्किंग में, कहाँ गए लड्डू, बच्चे घुस आए हैं कोई पार्किंग में, हाँ कोई पार्किंग में बच्चे घुस आए हैं, कोई उसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर कहाँ ये है वो है। अच्छा कर लो पूछा मिल जाएगा आराम से, आगे गली के कोई बच्चे हैं ठीक है, वो इन्हें लिफ्ट में से आते हुए मिले हैं, बिल्डिंग में मिले हैं इन्हें, वो नीचे ये लोग आए होंगे तो ये लोग लिफ्ट से आ रहे होंगे बच्चे, या फिर अंदर घुस रहे होंगे, तो तब इन्होंने पकड़ लिया कि तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से आ रहे हो, तो तब वो कह रहे हैं उनके माँ बाप को बुलाओ, उनके माँ बाप को बुलाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।